English, English, and केवल English. Because English is India, and India is English. एक फ्रांस बंदा जर्मन बंदा स्पीक रॉन्ग इंग्लिश वी नो प्रॉब्लम. एक इंडियन बंदा से रॉन्ग इंग्लिश बंदा ही बेकार हो जाता है जी. माई लाइफ हिंदी बट माई वाइफ इंग्लिश. इसने बहुत कोशिश की कि मैं भी चमक चमक जाऊं जी, थोड़ा आई पाई हो जाऊं, सोफिस्टिकेट हो जाऊं. मैं फेल हो गया मेरी जान. अब तो यहाँ पे सोफिस्टिकेट की स्पेलिंग मत पूछ लियो, मैंने तो साली वो भी नहीं सीखी है. माँ बाप अपने बच्चों को अपनी खूबियां तो देना चाहते हैं, कमियां नहीं देना चाहते. हमने भी सोचा हमारी बच्ची अंग्रेजी स्कूल में पढ़ लेगी, भाई आई पाई हो जाएगी, तो हमने उसके लिए सब कुछ किया. टैब ट्यूब गैजेट पैजेट के बिना कुछ कैसा रहा जाता है. मेरी बच्ची ने स्कूल में नहीं सीखा. लेस इज मोर, शेयरिंग इज केयरिंग, या तोते की तरह रटा तो दिया जाता है लेकिन उसको निभाना हमने भारत नगर में सीखा है. लेकिन इनको एडमिशन हम यहाँ नहीं देंगे. क्यों? Because parents like us who do fraud and headmaster like her who's ready to eat their chance. ये headmaster नहीं है जी, ये businessman है. और आजकल पढ़ाई नहीं है जी, ये धंधा है धंधा. मैं अपनी बच्ची को किसी एक गरीब का मार के नहीं पढ़ाऊंगा, वो कहीं भी पढ़ लेगी लेकिन यहाँ नहीं पढ़ेगी. इस मेस में कैसे रहते हो? मैं कहाँ रहता हूँ, यहाँ इंतजार रहता है. जाने तेरे शहर का क्या इरादा है, आसमान कम परिंदे ज्यादा है. हो जाने तेरे शहर का क्या इरादा है. सर. हाँ जी. कस्टमर. अरे कस्टमर तो रोज आते हैं, आज उम्मीद आई है. खुशी का हिस्सा गम का हिस्सा घूट का हिस्सा दम का हिस्सा जख्म और मरहम का हिस्सा दिल फरोशी का ये किस्सा. जाने तेरा इश्क भी क्या तमाशा है. मराठी में बेटर एक्सप्रेशन है ये थी मी आती है. दिन में खुदा सा है. क्या सर जाने दिया आपने? अबे मोहब्बत है इसीलिए तो जाने दिया.
जिद होती तो बाहों में होती। जान तेरे शहर का क्या इरादा है, जान तेरे शहर का क्या इरादा है, आसमान कम परिंदे ज्यादा है। उतरा खूबसूरत ख्वाब जैसा, गोद में उसको उठाता तो मुझे लगता था वैसा।